Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And today's video will be the most requested one. मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं यही बोलती हूँ टुडेज वीडियो इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वन बिकॉज मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स पोस्ट करती हूँ. लॉन्ग वीडियोज मैं तभी पोस्ट करती हूँ जब वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड होती है मेरे चैनल में. एनी वे जोक्स अपार्ट, एवरी डे वेक अप एंड आई फील सो मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ यू गाइज. फर्स्टली आई वॉन्ट टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर लाइकिंग मी एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल बिकॉज you guys motivate me every day to create content. I'm really grateful to have you all in my life. Okay, I would like to give a small introduction, warna jo log naye hain un logo ko pata nahi chalega ki maine achanak se video start kyu kar diya hai without any reason. So I was working for Indigo Airlines as a cabin crew, and prior to that I've done my hotel management and I've done my internship from ITC Royal Bengal. So recently I've left Indigo and you guys have been asking me so much that why did I leave Indigo and did I leave aviation or not? Also, what am I doing right now? What is the current situation? I will tell everything to you guys, but for that you have to subscribe to my channel and you also have to keep watching this video. As I said, I was working for Indigo Airlines. So maine ek saal kaam kiya Indigo ke saath. तो मेरा ट्रेनिंग पीरियड बहुत अच्छा था. आई मेड सो मेनी गुड फ्रेंड्स, आई वॉज सो हैप्पी एंड आई गॉट कोलकाता बेस एज वेल. मैं अभी एयर होस्टेस बन गई हूँ तो मेरी लाइफ बहुत सेट हो जाएगी. तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ. तो मैंने जब कलकत्ता से फ्लाई करना स्टार्ट किया तो मैं बहुत खुश थी स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं सीख रही थी और लोग भी बहुत ही अच्छे थे, मैनेजर्स भी ठीक ही थे. बट बाद में मुझे पता चला कि कलकत्ता से कोई भी इंटरनेशनल लेवर्स नहीं है, इंटरनेशनल डे रिटर्न्स है. जैसे कि आज ही मैं सिंगापुर जा रही हूँ तो मैं आज ही वापस आ जाऊँगी, और दोनों ही रेड आई फ्लाइट होता था. रेड आई फ्लाइट मतलब नाइट ड्यूटी, और बहुत तबीयत खराब हो जाती थी इसके वजह से, बट स्टिल वी हैड टू डू दैट. तो मैंने बहुत सोचा कि मैं अब क्या करूँ बिकॉज आई एम जस्ट 22, तब तो मैं 21 की थी. तो मैं बहुत सोचती थी कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर, मुझे इंटरनेशनल लेओवर्स करनी है. तो मुझे लोगों ने बहुत बोला कि लहरी तुम बेस चेंज कर लो, तुम कोलकाता से दिल्ली या फिर चेन्नई चली जाओ, वहाँ से तुमको बहुत सारे इंटरनेशनल लेओवर्स मिलने वाले हैं. और जब ये सब कुछ हो रहा था मेरे लाइफ पे, मेरी एक भी फ्रेंड कोलकाता में नहीं थे क्योंकि सब बाहर चले गए थे. किसी को चेन्नई जाना था, किसी को हैदराबाद जाना था, किसी को पुणे जाना था, और मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी. एंड आई यूज़ टू फील लाइक सो लोनली, बाहर जाने के लिए फ्रेंड्स भी नहीं रहे तो मैं क्या करूँ. बट मेरे पेरेंट्स थे तो मैं पेरेंट्स के वजह से ही कोलकाता बेस ली थी. तो उन लोगों ने मुझे बोला कि इट्स ओके इफ़ यू वांट टू गो एंड एक्सप्लोर यू कैन गो. तो मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैं क्या करूँ, इनको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ अभी, और मुझे एक्सप्लोर भी करनी है. ज़्यादा सोचने में टाइम लगा रही थी ना तब, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बेस चेंज करूँ या फिर एयरलाइन चेंज करूँ. सोचते सोचते मैंने 6 महीने लगा दिए. फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि हाँ मैं कंपनी चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मिडिल ईस्ट तक या फिर सिंगापुर तक नहीं जाना है, मुझे और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करनी थी. एंड एट द सेम टाइम मुझे इंडिया में भी रहना है, क्योंकि आई कांट लीव माय फैमिली कम्प्लीटली, क्योंकि मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ. अगर मुझे दिल्ली या फिर मुंबई कोई भी बेस मिले, माय पेरेंट्स कैन कम एंड स्टे विथ मी, ये सोच के मैंने इंडिया में रहने का डिसीजन लिया और मैंने एयर इंडिया ज्वाइन किया. ये तो मैंने आपको बहुत ही बड़ी रीज़न बताई इंडिगो छोड़ने का. और एक दूसरा रीज़न है, आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं थी. स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, बट धीरे धीरे प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि आई डिडेंट फील लाइक डूइंग दैट जॉब. एक भी एम्प्लॉय खुश नहीं था वहाँ पे, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगी. बट मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट कर रही थी एंड आई ऑल्सो हैड अ सर्जरी. ऐसा नहीं कि सर्जरी के वजह से मैं बहाना बना रही हूँ काम पे नहीं जाने का, ऐसा नहीं है, लेकिन काम का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था. ऑब्स भी बहुत कम थे, मैं खुश नहीं रहती थी. आई यूज टू बी वेरी सैड एंड अपसेट. इतना लोगों ने मैनेजमेंट को कंप्लेन किया कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, शिफ्ट टाइमिंग्स ठीक नहीं है, प्लीज़ डू समथिंग, बट कोई भी सोल्यूशन ठीक से वहाँ से नहीं आ रही थी. तो मैंने डिसीशन लिया कि मैं इंडिगो छोड़ूंगी, बट मैंने ये भी डिसीशन लिया साथ ही साथ कि मैं एविएशन नहीं छोड़ सकती हूँ बिकॉज आई यूज टू लव माई जॉब एंड मैं वो कंटिन्यू करना चाहती हूँ. तो फिर मैंने सोचा कि मैं एयर इंडिया की इंटरव्यू दूँ एंड मैं गई. वहाँ पर मेरी लकीली सिलेक्शन हो गया,
और अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है मुंबई में एयर इंडिया की। इसके साथ मैं यही भी बोलना चाहूँगी कि इंडिगो से मैंने काम सीखा है एंड इट इज़ माई फर्स्ट एयरलाइन। नो मैटर वॉट, इट विल बी ऑलवेज स्पेशल टू माई हार्ट। सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर करियर विथ इंडिगो, यू कैन गो अहेड। आपको अगर ये रीजन्स बॉदर नहीं करते हैं देन गो फॉर इट, बहुत ही अच्छी कंपनी होगी आपके लिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर देन आई विल सजेस्ट यू टू ज्वाइन इंटरनेशनल एयरलाइन और एयर इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, एंड कमेंट डाउन बिलो व्हाट अदर वीडियोस यू वांट मी टू डू, एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।